Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well and you all are safe. And hi, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. Before you watch my videos, please make sure to subscribe to my channel. And yes, for today's video, I actually got the beauty products from Amazon that my subscribers recommended. Because मैंने एक स्टोरी डाली थी, पोस्ट डाला था, सो उसमें मैंने एडवाइस ली थी अपने सब्सक्राइबर से कि मुझे प्रोडक्ट बताओ, मुझे क्या क्या लेने चाहिए. आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम नॉट रियली मच इनटू दिस ब्यूटी प्रोडक्ट, सो मेरे को पता नहीं रहता क्या अच्छा चल रहा है, क्या नया है. तो मैंने सोचा मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, तुम लोग को तो पता ही होगा, बिकॉज मुझे पता है तुम लोग को मेरे से ज़्यादा अच्छा मेकअप आता होगा. तो मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यू शुड गेट दिस वन, ये अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये अच्छा है. एंड मेरे को लगा वाओ, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिए हैं ना, आई डिड दिस मेकअप यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर चुमेश्वरी, बिकॉज दे आर सो सो गुड. आई विश मेरे को पहले पता होता कि ये प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उनको पहले ही ले लेती. बट या आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस प्रोडक्ट इन टुडेज वीडियो. एंड बिफोर आई हेड ऑन टू द वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हु हैव बिन रिलीजियसली लाइक वॉचिंग माई वीडियोज, बिकॉज वी हिट 50K फ्यू डेज बैक एंड दैट्स अ बिग बिग thing, so I'm really really happy, and this all happened because of you guys. I'm really really thankful to you and I'm very very grateful to each one of you. Thank you so much. And yes, now our next goal would be 1 lakh subscribers by this end of the year, so please help me to do so. Main bahut lambi speech bhi de sakti hu, but I really don't want to make this video very very long because pak jaoge tum, so we'll do this later on. So now enough of this blabbering, let's just get into the video. So at first I got this sunscreen from Neutrogena. So ye meko kisi ne suggest nahi kiya tha, but kisi ne bola tha ki aap matlab ek perfect sunscreen bata do affordable wala. So maine na net mein search kiya ki best sunscreen kaun kaun se hai, to meko ek iska aaya tha, matlab net pe likha hua tha ki ye wala sunscreen na bahut zyada glowy sa effect deta hai, to maine socha ha ye acha hai, so ye wala leti hu. So I got this for 217 rupees, while it's so chotu, matlab ye kafi zyada chota hai 217 rupees ka, and ye itna jaldi khatam ho jayega na. So basically I loved it, kafi acha hai, but isme problem kya hai, jo log bol rahe the na glowy hai, wo basically ek ग्रीसी सा इफेक्ट है, थोड़ा सा ऑयली सा कर देता है स्किन. बट आई एम अ पर्सन जो जिसको ना ड्राई वाले सनस्क्रीन पसंद नहीं है, सो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है, बट आई थिंक सबको ये नहीं जमेगा. इफ़ यू डोंट लाइक ऑयली वाली स्किन, सो डोंट गेट दिस, बिकॉज ये तुम्हारी स्किन को ऑयली कर देता है. अदर देन दैट आई रियली लाइक इट, क्योंकि ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट तो छोड़ता ही नहीं, ये एकदम क्रीम जैसे जैसे मॉइस्चराइजर होता है ना वैसा लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कुछ वाइट कास्ट ऐसा कुछ. सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये. आफ्टर दैट आई गॉट दिस मार्ट्स का हाइड्रो ग्लो प्राइमर, एंड दिस इज सच अ लवली प्रोडक्ट, मतलब आई विश मुझे ये पहले मिल जाता, दिस इज सो गुड. सो मैं पहले लैक्मे का प्राइमर लगाती थी, बट जब से मेरे को ये वाला प्राइमर मिला, मैं इसको ही हमेशा लगाती हूँ. मैंने वाला प्राइमर छोड़ ही दिया लगाना, बिकॉज दिस इज़ रियली रियली गुड. इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी वेरी ड्यूवी सा लुक, यू नो, जस्ट कट अप्लाई दिस, उसके बाद अगर तुम फाउंडेशन भी नहीं लगाते हो ना, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, बिकॉज ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है. मतलब आई सीरियसली लव्ड इट यार, दिस इज़ रियली रियली गुड. एंड ऑल्सो फॉर द प्राइस, इट वॉज फॉर 279 rupees, which I think is very very decent for such primer, क्योंकि इस टाइप के जो ग्लोई ड्यूवी से प्राइमर होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा बजट में था. एंड ऑल्सो इसकी जो स्मेल है, इट स्मेल्स लाइक बबल गम, सो इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया सा फीलिंग आता है ना. ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एफोर्डेबल है, नहीं इतना ज़्यादा अच्छा है ना. सो आई ऑल्सो गॉट दिस मार्स का बीबी क्रीम. ओके, सो द थिंग इज, इस पर ना 3 shades मेरे को अमेजोन पे दिखे थे, बट मैंने सोचा मेरे को मीडियम बीज वाला कलर आएगा, बट वो अवेलेबल नहीं था. उसके अलावा एक फेयर बेज था और एक लाइट बीज था, तो मेरे को फेयर बेज ही आता, लाइट तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता, तो मैंने वाला शेड मंगाया. बट ये मेरे कलर से ना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा, मेरे को मीडियम वाला ही आता, मेरे को पता था, बट अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को ये वाला लेने का था. सो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा लाइट सा है, तो इतना पता नहीं चल रहा था लगाने के बाद भी ना फाउंडेशन की फाउंडेशन लगाया है. तो अगर तुम्हें नेचुरल सा मेकअप लुक चाहिए ना, उसके लिए बढ़िया है, बट अगर तुम्हें थोड़ा यू नो थोड़ा और ज़्यादा सवरना चाहते हो, तो उसके लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है आई गेस.
एंड ऑल्सो फॉर द प्राइस इट वॉज फॉर इसका प्राइस इज 249 रुपीज़। लेकिन मेरे को ना ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है फेस में लगाने के लिए, बिकॉज एज आई मैंशन कि थोड़ा सा वॉटरी सा इसका फॉर्मूला है ना, तो पता नहीं चलता कि फाउंडेशन लगाया है। अदर देन दैट इट्स अ नाइस फाउंडेशन, नेचुरल लुक के लिए तो सही है। नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। सो इसका एक ऑलरेडी ना मेरे पे दूसरे शेड वाला कंसीलर पैलेट था एंड वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो इसीलिए आई गॉट दिस। एंड इसमें ना तुम्हें कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टोर तीनों चीज़ें मिल जाती है, विच इज़ रियली गुड। सो इसमें एक ग्रीन कलर, एक येल्लो, एक पर्पल, एक डार्क ब्राउन, एक थोड़ा सा लाइट ब्राउन और एक ऑरेंज कलर के ऑप्शन। इसका जो टेक्स्चर वगैरह है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अगर तुम थोड़ा सा भी लगाओगे ना बहुत इजीली लग जाता है एंड ब्लेंड करने में भी काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है, तो इसीलिए मुझे पसंद है। सो इसलिए मैंने सोचा वाला खत्म हो रहा है तो मैं दूसरा मंगा लेती हूँ। इस बार मैंने ये वाला शेड वाला मंगाया एंड इसका प्राइस इज 190 रुपीज़ ओनली। सो इनसाइड के तो सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद आई ऑल्सो गॉट दिस अर्थ रिदम का लिप चिक टेंट एंड ये ना बहुत ज़्यादा हाइप में है। मतलब मैंने कितने सारे लोगों को देखा है यूज़ करते हुए एंड अमेजोन पे आप जब भी टेंट वगैरह सर्च करोगे आपको ये वाला प्रोडक्ट तो ज़रूर दिखेगा। सो मैंने सोचा हाँ चलो मंगा लेते हैं, ट्राई कर लेंगे इस बार एंड आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस विद दिस। काफ़ी अच्छा है ये, बट मेरे को ऐसा लगता है ना ये वाला जो शेड है ये थोड़ा सा लाइट सा पिंक है, सो ये मेरे शेड में ना मतलब मेरा जो स्किन का कलर है उसके साथ इतना ज़्यादा ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अगर ये थोड़ा सा डार्क सा शेड होता ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बिकॉज वो पिंक थोड़ा नेचुरल सा पिंक क्रिएट करता, बट स्टिल आई लव इट क्योंकि ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तुम बहुत ईजिली अपने फेस पर डॉट डॉट करके ना ब्लेंड कर सकते हो, तो इसलिए मुझे काफ़ी सही लगा। एंड इसको तुम लिप पे भी अप्लाई कर सकते हो, अभी तक मैंने इसे अप्लाई नहीं किया लिप पे, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसका टेक्सचर वगैरह काफ़ी सॉफ्ट सा है, सो या आई रियली लाइक इट। फॉर द प्राइस इट वॉज फॉर 314 रुपीज़। प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा होगा, लेकिन क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है इस प्रोडक्ट की, तो इसलिए मेरे को लगता है ठीक भी है। आई ऑल्सो गॉट दिस कफ्स एंड लैशेज का टेंट। सो मैंने कभी इसके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी कि कफ्स एंड लैशेज के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यू शुड गेट दिस। सो मैंने सोचा कि चलो ये टेंट मंगा लेता है। दिस वन इज़ इन द शेड ऑफ 05 कुल्हड़ एंड येस आई रियली लाइक्ड इट। काफ़ी अच्छा शेड है इसका, मेरे को ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड इसको तुम अपने आईज़ पे लाइक एज ए आई शेडो यूज़ कर सकते हो और ब्लशर की तरह यूज़ कर सकते हो एंड लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। इसमें ना बहुत सारे शेड्स तुम्हें मिल जाएंगे एंड अगली बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस थोड़ा सा डार्कर शेड लूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो शेड मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट आई रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसका पिगमेंटेशन, टेक्सचर सब कुछ बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा है, so that I really loved and yeah I loved it। and then I got this inside का banana loose powder। so let me be very honest with you guys, मैंने पहले कभी नहीं सुना था ये banana loose powder, मैंने पहली बार सुना। मतलब मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया कि प्लीज़ सजेस्ट करो एक परफेक्ट लूज़ पाउडर, तो मेरे को ये वाला लूज़ पाउडर दिखा इनसाइड का अमेजोन पे एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, सो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। बट सबसे पहले तो मैंने नेट में यही सर्च किया कि ये लूज़ पाउडर क्या होता है, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं था। मतलब मुझे पता है पाउडर वगैरह तो सेट करने के लिए यूज़ है, बट लूज़ पाउडर क्या होता है। सो बाद में मुझे पता चला कि ये लूज़ पाउडर तो मैं बेसिकली मेकअप सेट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर डर्ट वगैरह ना, जिसे तुम इसे अपने अंडर आईज़ पे लगा सकते हो, नोज़ वगैरह पे, सो इसीलिए यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ रियली रियली गुड, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड समर्स में तो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, बिकॉज ये जो परफेक्ट सेट करता है ना मेकअप, इतना परफेक्ट फिनिश आता है, मतलब मैंने आज देखा इसे अप्लाई करके। सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट। सो इट वॉज फॉर 180 रुपीज़ एंड आई थिंक काफ़ी सही प्रोडक्ट है ये, इसकी क्वान्टिटी भी बहुत सही है, सो मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इस चीज़ से। एंड देन आई गॉट दिस मिनीसो के सॉफ्ट प्रीमियम मेकअप ब्रशेज एंड यू नो वट, मेरे पे ना ब्रशेज थे बट बहुत पुराने वाले थे, वो कुछ न्यूड नहीं नेकेड करके ब्रांड है अमेजोन पे, तो उसके वो ब्रशेज थे। बट पता क्या मुझे अब पता चला कि वो ब्रशेज इतने ज़्यादा हार्ड थे एंड अब मेरे को पता चल रहा है कि ये जो ब्रशेज होते हैं ना कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बिकॉज इनसे ना जो मैंने आई शेडो लगाया ना वो आज इतना ईजिली लगाया ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से ब्रशेज है, ये इतने ईजिली ब्लेंड होते हैं। सो फॉर द प्राइसेज इट वॉज फॉर 500 रुपीज़। आई नो थोड़ा सा प्राइसी है बट ये तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है, सो आई थिंक 500 तो काफ़ी सही है। एंड इसमें ना टोटल
12 ब्रशेस आते हैं, सो दैट्स गुड. एंड पता क्या, इन सब ब्रशेस में ना लिख रखा है कि कौन सा ब्रश किसके लिए है. मतलब जैसे कि पाउडर ब्रश है, शेडिंग ब्रश है, फैन ब्रश है, आईलैश ब्रश है, आईब्रो ब्रश है, सब लिख रखा है. सो वो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई, क्योंकि मेरे को खुद इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है ब्रशेस का कि कौन सी ब्रशेस मतलब यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो अगर तुम लोग भी बिगिनर हो ना, यू गाइस कैन गेट दिस वन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे एंड क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की. सो या, सो फॉर द लिपस्टिक आई हैव गॉट 3 डिफरेंट लिपस्टिक फ्रॉम 3 डिफरेंट ब्रांड्स. सो एट फर्स्ट आई हैव दिस रेने का 5-in-1 लिपस्टिक, एंड ये वाला तो आई थिंक सब ने देखा होगा ये वाली लिपस्टिक, बिकॉज जब भी आप अमेजोन पे लिपस्टिक सर्च करोगे आपको ये ना हमेशा दिखेगी. पता नहीं क्यों दिखती है, बट ये हमेशा टॉप पे रहती है. सो ये मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे. सो आई थॉट चलो इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, अब इतना दिख रही है. सो मेरे हिसाब से ना ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगी, बिकॉज जो इसके शेड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे. एक डार्क पिंक है तो एक थोड़ा सा उससे लाइट पिंक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम लाइट पिंक है, उससे बस थोड़ा सा लाइट पिंक था. तो मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से शेड्स है तो इतना ज़्यादा यूजफुल तो होगा भी नहीं. एंड फॉर द प्राइस इट वाज फॉर 555 रुपीज़. मैं ना इतने प्राइस में एक अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक पसंद करूँगी लेना. वाई? बिकॉज इसकी जो क्वान्टिटी है वो इतनी सी है, बस इस पर इतना सा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. सो यू गैस कैन थिंक ऑलरेडी, मतलब क्या फ़ायदा ना अगर मैं इतने रुपए का ये लिपस्टिक ले रही हूँ. कम से कम क्वांटिटी भी तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी. सो फॉर द शेड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब सही से शेड है, पिगमेंटेड भी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से इजीली लग जाता है, लेकिन बस वही है थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है. नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर. सो ये वाला शेड ना मेरे पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट वो खत्म होने वाला था, तो इसीलिए आई अगेन ऑर्डर्ड इट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक. इसका जो शेड है वो है 17 न्यूड मिथ, एंड आई लव दिस शेड. दिस इज सो प्रिटी. ये बहुत ज़्यादा नेचुरल सा ना एक लुक देता है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये शेड ना लाइट पीच कलर का टाइप का ना वैसा टाइप का शेड है, बट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये. बस इस लिपस्टिक में बस एक प्रॉब्लम है कि जब लिपस्टिक ड्राई हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो कभी कभी जैसे चैप्ड वाले लिप्स नहीं हो जाते, वैसा हो जाता है मेरे साथ. बट अदर देन दैट आई रियली लव दिस शेड, सो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया. दिस वॉज फॉर 217 रुपीज़, एंड आई थिंक प्राइस काफ़ी सही है लिपस्टिक का. एंड द लास्ट लिपस्टिक दैट वी हैव इज अगेन फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, एंड दिस इज इन द शेड ऑफ 02 एज नो बार. सो समवन अगेन रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस विद द शेड, बट ये काफ़ी ज़्यादा लाइट सा शेड है. सो इफ़ यू आर समवन हु लव न्यूड वाले शेड्स ना, देन दिस इज रियली गुड. एंड इसको लगाने के बाद ना लिप्स काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी से रहते हैं, तो यू डोंट रियली हैव टू अप्लाई एनी लिप ग्लॉस ऑल्सो, विच इज़ रियली गुड. सो मेरे को सही लगा ये. फॉर द प्राइस इट वॉज अबाउट 225 रुपीज़, तो प्राइस भी मेरे हिसाब से तो सही है. एंड आई लव द पैकेजिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी पैकेजिंग लग रही है. तो मेरे पास लैक्मे का शेड है ना, उससे बस ये थोड़ा सा लाइट शेड है न्यूड में, बस इतना सा मुझे डिफरेंस लगा दोनों लिपस्टिक का. लेकिन मेरे को न्यूड शेड्स पसंद है, सो इसीलिए मुझे भी ये वाली लिपस्टिक पसंद आई है. नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस ब्लिंकिट मस्कारा फ्रॉम द ब्रांड कॉल ZM. ZM स्टैंड्स फॉर जेन एंड माइजा. सो मेरे को ये ब्रांड का नाम नहीं पता था, लेकिन मेरे को एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया कि इसका एक रिव्यू डाल दो, तो इसीलिए आई गॉट इट. एंड पता क्या, इसका प्राइस इज 325 रुपीज़. मुझे ऐसा लगता है उस प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज ये इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं देता है लैशेस को. मैंने इसे अप्लाई किया, मैंने इसे बहुत बार अप्लाई करने के बाद भी ये वैसा ना परफेक्ट वॉल्यूम नहीं दे पाया. मेरे हिसाब से ना 325 में अगर तुम्हें मस्कारा लेना ही है, यू शुड गेट दैट मेबेलिन का हाइपर गर्ल मस्कारा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मैंने आज तक जितने भी मस्कारा यूज़ किया, मैं उसको ही यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मुझे वॉल्यूम देता है मेरे लैशेस में. उसके अलावा मेरे को सारे जो ये मस्कारा है मुझे बेसिक से ही लगते हैं, इसलिए. सो ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा ही मस्कारा है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें. देन वी हैव दिस मेकअप फिक्सर फ्रॉम फेसेस कैनेडा. सो ये वाला मेकअप फिक्सर मेरे को अमेजोन पे भी दिखता ही रहता था बहुत टाइम पहले से ही, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता था तो मैं इसीलिए लेती नहीं थी. बट मेरा जो मेकअप फिक्सर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अब, विच वॉज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो उसके बाद मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप फिक्सर, कभी कभी लगाती हूँ कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर तब लगाती हूँ. ये वाला मेकअप फिक्सर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज जो मेरे पे स्विस ब्यूटी वाला था ना, वो अगर मैं उसे अप्लाई करती थी वो काफ़ी ज़्यादा ना
अजीब सा फिनिश दे रहा था, मुझे एक वर्ड नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बट हाँ मुझे इतना पसंद नहीं था वाला मेकअप फिक्सर, बट वो था तो मैं उसको यूज़ कर रही थी क्योंकि ख़त्म तो करना ही था। उसके बाद जब मैंने अब ये मैंने अप्लाई किया ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसको अप्लाई करने के बाद ना बिल्कुल भी ऐसा स्टिकी सा फीलिंग नहीं होता कि कुछ अलग लगाया है, ये बस 3-4 सेकेंड में ड्राई हो जाता है। तो आई लाइक इट, मतलब मुझे अच्छा लगा है। सो आफ्टर ऑल दिस बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स ना, आई ऑल्सो गॉट दिस काफ्स एंड लैशेस का बॉडी पेंट पॉट। सो द रीज़न आई गॉट दिस इज बिकॉज मैं ना, मेरा बहुत मन करता है मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ फेस वगैरह पे, भले मुझे आती नहीं बट स्टिल मेरा बस एक मन करता है कि मैं अप्लाई करूँ। सो मेरे पे कुछ नियॉन कलर का ना मैं आई लाइनर वगैरह ढूंढ रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था। बाद में समवन सजेस्टेड कि काफ्स एंड लैशेस के जो नियॉन शेड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सो मेरे को ये वाला शेड पसंद आया। सो ये ग्रीन कलर में है शेड इसका, एंड अगर इसे तुम थोड़ा सा भी अप्लाई करोगे ना काफ़ी ज़्यादा दिखता है बिकॉज नियॉन शेड है ये, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आजकल मैं इसे बस अपने आंखों के यहाँ पे ना इनर कॉर्नर पे ऐसे लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो या मैं ट्राई करूँगी कि मैं इससे कुछ कर सकूँ, भले ही वो ख़राब हो लेकिन आई रियली वॉन्ट टू ट्राई आउट दिस। एंड आई लव द पैकेजिंग, लुक सो ब्यूटिफुल, ऐसे क्रिस्टल सा इसका ढक्कन है ना, मेरे को काफ़ी पसंद आया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।